नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। शहर में अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, मचा हड़कंप। भागलपुर शहर में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने से हड़कंप मच गया है। भागलपुर में स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर जहां प्रशासन तैयारी में है, वहीं शहर में प्रतिदिन जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों को भी निजात मिलने की उम्मीद हो रही है। बता दें आपको कि नगर निगम द्वारा शहर के अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जबकि वर्षों से जमे अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन को मशक्कत भी करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा स्टेशन के समीप अतिक्रमण हटाने के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा बाधा उत्पन्न किया गया, जिसको लेकर SDM और CTSP स्वर्ण प्रभात स्थल पर पहुँच कर जायजा लिया। इस दौरान SDM ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। असामाजिक तत्व द्वारा उसमें समस्या पैदा की जा रही थी, तो उसी के द्वारा फोर्स भी उस समय तक आ गई थी, लेकिन उसके बाद वो लोग ऐसे भाग गए। हम लोगों ने बोला है कि जो भी आसपास के CCTV लगे हुए हैं, या फिर आप लोग से भी अनुरोध होगा जो भी मीडिया बंदी कभी थे वो क्लिप हम लोग से शेयर कर ताकि नियमन का कानून कार्रवाई। सब पथराव में क्या घायल भी हुए? नहीं, पथराव में कोई घायल नहीं है, और पथराव जैसा बता रहे हैं पथराव नहीं हुआ है, लेकिन लोग एक मॉब बना के आ गए। कितने लोगों को अपने आप नहीं, हम लोग जो अभी पहले तो हम लोग वीडियोग्राफी चेक करवा लेते हैं कौन कौन लोग थे उसमें। हो सकता है कि देखिए इसमें जो यहाँ पर के स्थानीय लोग हैं वो शायद ना भी, कि नियमित चलते रहता है, लोग हटाते भी हैं, फाइन भी हो रहा है, इसका कोई असामाजिक तत्व दूसरे तरीके से भी फायदा उठाना चाहिए। ये सब अभियान चल रहा है इन्फोर्समेंट का? बिल्कुल, अभी हम देखिए अब जनता को तो दिक्कत हो ही रही है, उसके लिए तो अब नियमित तौर पे ही चलना है उसको। नाम आप भले अभियान अतिक्रमण ना लगे उसके लिए कुछ ठोस उपाय किया जाए? जी हाँ, इसमें हम लोगों ने अभी ऊपर बात करा है, क्योंकि ये रोड का ही पार्ट है और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रोड वाइडनिंग का काम भी चल रहा है, तो हम लोगों ने अनुरोध किया है कि इसी के पास में इसको लेके यहाँ पे जो पेवर ब्लॉक का लग काम किया जाता है उसको एक्सटेंड करा। कई बार सर अतिक्रमण यहाँ पर हटाया गया लेकिन फिर लगा दिया जाता है, इसके बारे में क्या कर रही है सर, क्या करें? ये आप भी समझ रहे हैं कि एक नियमित प्रक्रिया ही है जो भी अस्थायी बैनर हो, ये समस्या रहती है। अरविंद कुमार, ब्यूरो भागलपुर, बिहार, R9 भारत की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।